इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे।